वेलकम टू रोशनी की दुनिया। ये हमारी नवरात्रि स्पेशल वीडियो है। अक्सर जब हम साबूदाने की खीर बनाते हैं तो दूध फट जाता है या साबूदाने की खीर चिपक जाती है, तो मैं आज शेयर करती हूँ साबूदाने की खीर की सिंपल रेसिपी। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तब भी आप इसे देखकर परफेक्ट बना सकते हैं। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने साबूदाने को 2 घंटे के लिए भिगो लिया था। अब हम इसे वाश कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक छोटी कटोरी शुगर लिया है, 10 से 15 काजू को अलग अलग करके ले लिया है। यहाँ पे मैंने 8 से 10 बादाम के टुकड़े कर लिए हैं, थोड़ी सी किशमिश ली है, एक बड़े कप में मैंने दूध ले लिया है, एक फ्राई पैन में 1 स्पून घी डालेंगे, इसको चारों ओर फैला लेंगे, नारियल डालेंगे, बादाम डालेंगे, काजू डालेंगे, इसे हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। थोड़ा भून जाता हम इसमें किशमिश डालेंगे, इसको चलाते रहेंगे जब तक गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। 1 कढ़ाई में दूध डालेंगे, इसे हम चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। इसमें भिगोए हुए साबुनदाने को डालेंगे, इसे चला देंगे। इसमें उबाल आने लगा है तो 5 से 6 मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे। हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। हमें इसमें बीच बीच में चलाते रहना है जिससे कि ये कढ़ाई में चिपके ना। अब हम इसमें शुगर डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। भुने हुए ड्राई फ्रूट डालेंगे, इसे हम मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। हमें पूरे खीर को लो टू मीडियम पे ही पकाना है, हाई फ्लेम पे खीर जल सकती है। ये देखिए हमारी खीर कितनी सिंपल तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। अब आप इसे सर्व कर लो। इसे आप बनाओ, खाओ और परिवार को खिलाओ।